वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों आज मैं आप सबके साथ में शेयर करने वाली हूँ ह्यूज ज्वेलरी हॉल। 10 टू 12 ज्वेलरीज रहेंगी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की इयररिंग्स, नेकलेसेस, काफ़ी सारे आपको वैरायटी देखने को मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में इन सभी के इंडिविजुअल लिंक्स आपको मिल जाएंगे, चेकआउट करना आप बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट करूंगी इयररिंग्स से। तो इयररिंग्स में मैंने जो है ना काफ़ी सारे प्यारे प्यारे इयररिंग्स ऑर्डर करे थे, जो मेरे पास रिसीव हुआ है वो मैं आप सबके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने सब चीज़ों को ओपन कर लिया है ताकि जब मैं आपको दिखाऊं तो मेरे लिए इजी रहेगा दिखाना। तो इसीलिए मैंने हर एक चीज़ का अनबॉक्सिंग पहले से कर लिया है, मुझे पहले से पता है कि क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो इयररिंग्स मैं आप सबके साथ में शेयर करने वाली हूँ ये कुछ इस टाइप की है। सिल्वर टोन में रहती है, इंडियन एंड वेस्टर्न दोनों ही आउटफिट के साथ में बहुत ही आराम से आप इसको वेयर कर सकते हो, फेस्टिवल के लिए भी बहुत प्यारा रहेगा। लाइट वेटेड है, क्वालिटी इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है, पहनने पर सुपर कंफर्टेबल है। तो डेफिनेटली आप इस इयररिंग को ट्राई कर सकते हो, आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो ज्वेलरी मैंने ली है, ये मैंने ली है एक प्यारा सा नेक पीस, जो कि अगर आप साड़ी पहनते हो या फिर हैवी साड़ीज वेयर कर रहे हो जिसमें सिल्वर टोन में वर्क है, तो ये वाला नेकलेस आप ज़रूर बाय करो। ये आई थिंक 8-900 या 1000 के आसपास पड़ेगा, बट येस इट इज़ वर्थ इट। आपने अगर मेरे इंस्टाग्राम पे आपने मुझे फॉलो किया होगा तो आपने मुझे मेरी एक वायलेट कलर में साड़ी की पिक देखी होगी, उस हेवी साड़ी के साथ में मैंने इसी नेकलेस को वेयर करा था। एंड ये नेकलेस सबको बहुत ही पसंद आया था, बहुत ही प्यारा लगता है एंड शाइन इसकी जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त है। सो डेफिनेटली अगर आप इस टाइप का कुछ लेना चाहते हो तो ये आप ज़रूर बाई कर सकते हो, ये बहुत ही प्यारा है एंड लुक इसका बहुत अमेजिंग आता है। इसके साथ में जो इयररिंग्स आपको मिलती है वो है ये वाली, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है बट यस लुक वाइज बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये इसके साथ में इयररिंग्स आएगी, परफेक्ट है, मतलब किसी भी वेडिंग फंक्शन में पहनने के लिए आप ज़रूर इसको ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट जो मैंने लिया है वो मैंने लिया है एक रोज़ गोल्ड में नेकलेस। जैसे कि मैंने बताया था मैंने सारी चीज़ें ओपन कर लिए ताकि मेरे को जब दिखाना हो तो ईजी रहे, कि ज्वेलरी में क्या होता है आप ओपन करते हो बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। तो ये नेक्स्ट जो मैंने लिया है ना ये मैंने लिया है रोज़ गोल्ड में। आजकल रोज़ गोल्ड भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है एंड ये मैंने लिया है रोज़ गोल्ड में एक सेट, बहुत ही खूबसूरत सा। इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, मतलब अगर आप कोई अच्छी से ज्वेलरी लेना चाहते हो ना, मिनिमल ज्वेलरी इस टाइप की ज्वेलरीज, तो ये डेफिनेटली आप ट्राई करो, बहुत ही पसंद आएगी आपको। तो ये ब्यूटीफुल सा नेकलेस है और क्वालिटी बहुत अच्छी है, लुक भी इसका बहुत अच्छा आता है, रोज़ गोल्ड में है। इसके साथ में आपको मिल जाएंगे कुछ इस टाइप के प्यारे से इयररिंग्स, इनका लुक भी बहुत ही अमेजिंग आता है। सो डेफिनेटली अगर आप लेना चाहते हो तो ये भी ले सकते हो। तो ये रोज़ गोल्ड में रहेगा। तो ये हमारे नेकलेसेस है। नेक्स्ट जो नेक पीस मैं दिखाने वाली हूँ ये भी एक बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा नेकलेस है, जिसमें आपको रिंग एंड इयररिंग्स एंड नेकलेस मिलता है, बहुत ही खूबसूरत लॉन्ग हार है। अगर आपको इस टाइप के लॉन्ग हार पहनना पसंद है ना तो ये वाला नेकलेस भी आप ट्राई कर सकते हो। इसमें एक काफ़ी खूबसूरत सा मीना वर्क एंड पर्ल्स की डिटेलिंग का आपको एक पेंडेंट मिलता है एंड पर्ल्स का एंड मोतियों का पूरा वर्क इसमें आपको मिलता है नेकलेस में, बहुत ही खूबसूरत लगता है। एंड साथ में ये जो है ना साड़ी वगैरह के साथ में तो बहुत ही गजब का लुक लगता है। तो करवा चौथ वगैरह के लिए ज्वेलरीज अगर आप लेने का सोच रहे हो तो इन ज्वेलरी को आप ज़रूर बाई करो, आपको बहुत पसंद आएगा। आप अपने ड्रेसेस के अकॉर्डिंग परचेज कर सकते हो। यहाँ पे आपको मिलती है इसमें कुछ इस टाइप की लोटस की ये इयररिंग्स एंड इयररिंग्स नहीं सॉरी रिंग एंड यहाँ पे आप देख रहे हो इसके इयररिंग्स। वेट अ मिनट, सो यस हाँ, सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये प्यारे से इयररिंग्स आपको मिल जाएंगे, बहुत ही खूबसूरत है। इसका डिज़ाइन भी बहुत प्यारा लगता है, लुक वाइज मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। सो इस टाइप की आप ज़रूर बाय कर सकते हो। तो ये जो चीज़ें हैं ना ये हमेशा आप वेयर कर सकते हो किसी भी फंक्शन में, पार्टी वगैरह में, बहुत ही सुंदर लगता है। नेक्स्ट जो पीस मैंने लिया है ना ये भी एक लॉन्ग हार है, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है जो मैंने अभी दिखाया उससे। ये भी बहुत खूबसूरत है, इसे पूरा जो है ना मीनाकारी वर्क रहेगा एंड पर्ल का डिटेलिंग रहेगा, वाइट पर्ल का। ये भी मतलब बनारसी साड़ी, कांजीवरम साड़ी के साथ में तो बहुत ही गजब का लगेगा ये वाला नेकलेस। आप देख सकते हो मोर पीच का पूरा ये आपको मीना वर्क मिलता है, पर्ल्स की डिटेलिंग आपको मिल जाएगी, बहुत ही खूबसूरत नेकलेस है एंड पूरा ये पर्ल्स का जो डिटेलिंग मिलता है ना बहुत ही रॉयल लुक देता है। खास करके अगर आप कांजीवरम साड़ी या सिल्क में, ऑर्गेन्जा में, इस टाइप के जो फैब्रिक में अगर साड़ी वेयर करते हो बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसके साथ में आपको मिलेगी पूरा ये मीना वर्क में इयररिंग्स, आप देख सकते हो कुछ इस टाइप की इयररिंग्स आएंगे, बहुत ही लाइट वेटेड है, कलर्स बहुत ही प्यारे हैं। तो आप इनको जो है ना किसी भी कलर में, किसी भी कलर की साड़ी के साथ में वेयर कर सकते हो, बहुत ही सुंदर नेक पीस है।
नेक्स्ट जो नेकपीस नेकलेस मैं दिखाने वाली हूँ ये रहेगा हमारा नॉर्मल सा चोकर काइंड ऑफ नेकलेस रहेगा ये, तो ये ग्रीन कलर में आएगा, तो ये कुछ इस टाइप का चोकर रहेगा, बहुत ही खूबसूरत है, ये भी सुपर अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो ये वाला नेक पीस आप ट्राई कर सकते हो, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल प्राइस में मिल जाता है। तो ये नेक पीस रहेगा बहुत ही सुंदर सा, इसके साथ में आपको मिलेंगे इयर रिंग्स जो कि बहुत ज़्यादा सही है, बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं है एंड बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं है, एक हिसाब के हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे ये कुछ इस टाइप के आपको इयर रिंग्स इसमें मिल जाते हैं। सो डेफिनेटली ये वाला नेकलेस भी वर्थ इट रहेगा, आप ज़रूर बाय कर सकते हो। नेक्स्ट जो नेकलेस मैं शेयर करने वाली हूँ ये मैंने लिया है एक और प्यारा सा हार जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। मैंने ऐसा देखा है लोगों को, काफ़ी सारे लोगों को बहुत सिंपल पसंद आता है एंड काफ़ी सारे लोगों को ऐसा चाहिए होता है घर की अगर शादी है तो एकदम गला भरा हुआ रहना चाहिए। ऑनेस्टली मुझे ऐसा पसंद नहीं है बट काफ़ी सारे लोगों को मैंने ऐसा वेयर करते हुए देखा है। अगर घर की शादी हो ना तो लोगों को ऐसा लगता है कि एकदम भरा हुआ एकदम हैवी सा कुछ होना चाहिए। सो यस, यहाँ पे ये वाला है बहुत ही खूबसूरत सा, ये मतलब अगर आप रॉयल लुक ढूंढ रहे हो तो ये वाला नेकलेस आप ट्राई कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा नेकलेस है एंड काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, यू कैन सी बहुत ही बड़ा सा नेकलेस रहता है। सो ये ग्रीन कलर में आता है और ये रेड कलर के साथ में बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करेगा एंड आजकल तो कोई भी कलर का आपने ड्रेस पहना हो ज्वेलरी ग्रीन कलर की बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त फैशन चल रहा है, जैसे ब्लैक है तो ग्रीन पहन लिया, रेड है तो भी ग्रीन पहन लिया, तो ये लहंगे के साथ में भी अच्छा लगेगा, इवन साड़ी के साथ में भी अच्छा लगेगा अगर आपको इस टाइप के बड़े बड़े नेकलेसेस का शौक है। नेक्स्ट जो इसके साथ में इयररिंग्स आती है ये कुछ इस टाइप की रहेगी, तो ये लाइट वेटेड है, पहनने पर कम्फर्टेबल है, तो ये वाला नेकलेस भी आप ट्राई कर सकते हो। अगर आपको कुछ बड़ा सा चाहिए, लुक में रिच चाहिए तो ये आप ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट जो नेकलेस मैं आप सबके साथ में शेयर करने वाली हूँ ये भी एक बहुत ही खूबसूरत सा हार रहेगा। सो ये जो है ना ये सिंपल है और एलिगेंट लुक के साथ में आता है। सो यस, यहाँ पे ये रहेगा आपका ये ब्यूटीफुल सा हार जो कि साड़ी वगैरह के साथ में और कोई चोकर नेकलेस के साथ में भी आप पहन सकते हो या फिर ऐसे भी वेयर कर सकते हो, बहुत ही प्यारा लुक रहता है इसका। ये आप देख सकते हो पूरा कुंदन का इसमें डिटेलिंग रहेगा, बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा नेकलेस रहता है ये। तो डेफिनेटली अगर आप इस टाइप का कुछ लेना चाहते हो तो आप ज़रूर इसको बाय कर सकते हो, बहुत ही प्यारा सा ये नेक पीस है और सुंदर भी लगता है और पूरा ये वाइट में है तो आप इसको किसी भी कलर के साथ में वेयर कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। इसके साथ में जो इयररिंग्स आएंगे वो भी लॉन्ग आएंगे थोड़े से कुछ इस टाइप के और बहुत ही प्यारे इयररिंग्स है, लाइट वेटेड है, तो आप इस टाइप का कुछ अगर लेना चाहते हो तो ज़रूर बाय कर सकते हो। नेक्स्ट जो नेकलेस मैंने लिया है ये मैंने लिया है एक रेड कलर में, बहुत ही खूबसूरत सा हार है ये भी, तो यहाँ पे आप देखोगे कुछ इस टाइप का रेड कलर में है जो कि चोकर है, ये एक चोकर जैसा रहेगा, बहुत ही प्यारा लगता है, लुक इसका बहुत ज़्यादा सुंदर है एंड इसके साथ में आपको मिल जाएगा ये कुछ इस टाइप के इयर रिंग्स जो कि बहुत प्यारे लगते हैं। हालांकि ये लाइट वेटेड है, लॉन्ग लग रहे हैं बट ये लाइट वेटेड रहेंगे, काफ़ी आराम से आप इनको वेयर कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। कम्फर्टेस तो हमने इतने सारे देख लिए, अब बात करते हैं बैंगल्स की। तो यहाँ पे हमने जो बैंगल्स लिए हैं, फर्स्ट जो मैंने बैंगल लिया है ये कुछ इस टाइप का लिया है जो कि आप किसी भी साड़ी के साथ में या लहंगा सूट के साथ में वेयर कर सको, काफ़ी सुंदर इसमें वर्क है, मैं आपको इसको जो है ना क्लोजअप में फोकस करके दिखा रही हूँ, तो आप देख सकते हो काफ़ी प्यारे से ये बैंगल्स रहेंगे जिनमें मिरर वर्क रहेगा एंड इसमें जो है ना पर्ल की डिटेलिंग भी रहती है। तो ये वाले बैंगल्स भी आप जो है ना साड़ी एंड सूट के साथ में वेयर कर सकते हो, बहुत ही एलिगेंट लुक आता है, आप अपने अकॉर्डिंग साइज में ले सकते हो, क्वालिटी भी अच्छी रहती है। सो ये वाले बैंगल्स बहुत ज़्यादा सही लगे मुझे, प्राइस भी अफोर्डेबल है, तो डेफिनेटली यू कैन ट्राई दिस। नेक्स्ट मैंने लिया है एक प्यारे से एक और बैंगल्स और बहुत ही खूबसूरत बैंगल है, तो ये थोड़ा सा जो है ना कलरफुल काइंड ऑफ है, ग्रीन है, रेड है, गोल्डन है, पर्ल की डिटेलिंग है, तो ये वाले बैंगल्स भी बहुत खूबसूरत लगते हैं, यू कैन सी बहुत ही प्यारे पर्ल्स की डिटेलिंग है, यहाँ पे वाइट पर्ल्स है, गोल्डन पर्ल्स है, रेड कलर का ये पर्ल है, ग्रीन पर्ल रहेगा, तो ये भी काफ़ी सुंदर से बैंगल्स है जो कि आप वेयर कर सकते हो, लुक वाइज बहुत अच्छे लगेंगे, लाइट वेटेड है और आप अपने अकॉर्डिंग साइज के अकॉर्डिंग ले सकते हो, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। तो ये वाले बैंगल्स मैंने लिए हैं। नेक्स्ट मैंने जो लिया है ये मैंने लिया है एक ब्रेसलेट, तो काफ़ी सारे जो लोग हैं आजकल ब्रेसलेट भी पहनना पसंद करते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिया है ये प्यारा सा ब्रेसलेट और जो कि पूरा ये पर्ल्स की डिटेलिंग का आएगा, बहुत ही खूबसूरत सा ये हमारा ब्रेसलेट रहेगा, आपको मैं दिखा देती हूँ।
सो यू कैन सी यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा ब्रेसलेट है ये पूरा, ये पर्ल्स का डिटेलिंग का रहेगा और काफ़ी खूबसूरत लगता है। और आप किसी भी कलर की ड्रेस के साथ में, इंडियन एंड वेस्टर्न अटायर दोनों के साथ में इसको पहन सकते हो, लुक भी अच्छा आता है और ट्रेडिशनल लुक भी रहता है, साथ ही साथ इंडो वेस्टर्न के साथ में भी आप इसको वेयर कर सकते हो। तो ये मैंने लिया एक ब्रेसलेट। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड इन सभी की डिटेल्स या फिर लिंक्स आपको जो है ना डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टिल देन बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट।